जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो प्रधानमंत्री और देश की केंद्र सरकार के मंत्री द्वारा चुने जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई बड़ी उम्मीद इलेक्शन कमीशन से करी जानी चाहिए। मगर हम ये बात केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं कि केंद्र सरकार को इसमें क्या परेशानी है कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनकी गिनती हो, इसमें भारतीय जनता पार्टी को एतराज़ क्यों है, उनको क्या समस्या है, वो क्या छिपाना चाहते हैं, क्या चोरी हो रही है जिससे बच के भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। लेकिन ये तो अब इलेक्शन कमीशन के पास है, तो आप इसकी केंद्र सरकार क्या रोक रहे हैं? नहीं, केंद्र सरकार ही तो इलेक्शन कमीशन बनाती है। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और एक मंत्री इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करते हैं। आज अगर केंद्र सरकार कह दे कि सारी की सारी वीवीपैट की गिनती होनी चाहिए तो इलेक्शन कमीशन मानेगा। समस्या तो ये है, जब ये कोर्ट में मामला जाता है तो इलेक्शन कमीशन भी इसका विरोध करता है, केंद्र सरकार भी इसका विरोध करती है, भारतीय जनता पार्टी भी इसका विरोध करती है, तो इसका विरोध क्यों है ये बात समझ के परे है। एक अधिकार चुनी सरकार को मिलना चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द लिस्ट करने के मामले को हम कंसीडर करेंगे और उस पर सुनवाई शुरू करेंगे। देखिए, पिछले एक साल में जब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने पलटा और अफसरों के ऊपर सारी की सारी जो पावर है वो एलजी को दे दी, तब से ये बात साफ है कि कोई भी मामला हो, चाहे पानी का हो, एमसीडी का हो, हर किसी मामले के अंदर एलजी के हस्तक्षेप की घटनाएं बढ़ रही और अफसरों की मनमानी बढ़ रही है, और अफसर एलजी साहब से मिलकर कामों को ठप करने की साजिश कर रहे हैं, चाहे वो अस्पतालों में दवाई का मामला हो, पानी का मामला हो, सीवर का मामला हो, और ऐसे कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। तो अब कोर्ट्स को भी मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को भी मालूम है कि एक सर्विसेज को एलजी को देने की वजह से पूरी दिल्ली सरकार के काम को ठप करने की साजिश एलजी साहब के दफ्तर से की जा रही है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना बेंच बनाए और जल्द से जल्द फैसला करें। देखिए, दिल्ली के लोग इस बात से बहुत व्यथित हैं कि उनके बेटे, उनके भाई, उनके नेता, के हीरो अरविंद केजरीवाल आज एक झूठे फर्जी मुकदमे के अंदर जेल में जबरदस्ती रखे गए हैं, और लोग चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी से वो मिलें, अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी को आशीर्वाद दें और उनको कहें कि घबराना नहीं है, पूरी दिल्ली आपके परिवार के साथ खड़ी है, पूरी दिल्ली मुख्यमंत्री के साथ खड़ी है। तो उस लिहाज से उनका प्रचार अंदर आना दिल्ली वालों को बहुत पसंद आए और दिल्ली वाले चाहते हैं कि उनसे मिला जाए। लेकिन बीजेपी बीजेपी को तो परेशानी होगी, तो हम कोई बीजेपी को करने के लिए कोई ना काम करते हैं, उनको परेशानी तो हो, उनको परेशानी होगी इसलिए क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी के प्रचार में आने से भारतीय जनता पार्टी का नुकसान शुरू होगा, इसलिए उनको परेशानी होगी।